सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। आज का पंचांग 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:31 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगी। मिथुन राशि 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, आप आज आत्मविश्वास से भरे हैं और यह बात आपकी भावगंभीरता और नजरिए से साफ झलक रही है। आज हर कहीं आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय होंगे। अगर स्थितियां आपके पक्ष में नहीं भी दिख रही तब भी आप उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। पिछले कुछ समय से आपने जो योजनाएं बना रखी है उन्हें क्रियान्वित करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपका ध्यान अपने व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी को निखारने में भी लगा हुआ है और इसमें काफी हद तक आपको उपलब्धि भी हासिल हो रही है। परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बाद भी बेकार की बातों में अटके रहने की वजह से आप इसका उचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से परहेज रखना होगा। इस रिस्क के कारण आपको अभी लाभ तो महसूस होगा लेकिन इसके परिणामों का अंदाजा लगाना आपके लिए संभव नहीं है, जो भविष्य में आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पैसों से संबंधित बातों के बारे में अभी विचार ना करें। वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए पार्टनर्स को अपनी समस्याओं को अन्य बातों के सामने प्रकट करने से परहेज रखना होगा। रीढ़ की हड्डी और पीठ से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है। स्थान परिवर्तन करने की इच्छा है तो अभी उसके बारे में और अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता है। कुछ समय अपने परिवार व नजदीकी संबंधियों के साथ रिश्ते को मधुर बनाने में भी व्यतीत करें, क्योंकि किसी निकट संबंधी से किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका लग रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज अपने साथी के साथ बाहर जाने का उपयुक्त समय है। इस समय का कुछ हल्की फुल्की बातों से आनंद लें। किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचें, साथ ही साथ अपने साथी की भावनाओं को तोलने की कोशिश ना करें। आपका साथी भी जश्न के मूड में है और किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचने की मुद्रा में है। हालांकि अभी सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपका ये रिश्ता बहुत गहरा होकर फैल सकता है या एक सीढ़ी की तरह बचने के बाद टाइटाई फिस हो सकता है। अच्छे समय का आनंद उठाएं। बात करते हैं करियर की। अगर आप अपनी क्षमता से कार्य करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रयासों को उदारता से पुरस्कृत किया जाएगा। तो अपने काम और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी ओर से की गई कोई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। हालांकि दिन मैत्रिक लाभ के लिए शुभ है। आपका पिछला निवेश आपको अच्छी आमदनी दे सकता है। व्यवसाय के स्थल पर आंतरिक व्यवस्था में सुधार लाएं
और अपरिचित लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें। बेहतर होगा कि सभी फैसले खुद ही लें। ध्यान रखें कि आलस की वजह से आपकी कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके सामने एक ऐसी गंभीर स्थिति आ सकती है जिससे आपकी सेहत काफी प्रभावित होगी। आने वाले दिनों में होने वाली अप्रत्याशित थकान से बचने के लिए अपने आप को कुछ हद तक काम के दबाव से मुक्त करने की कोशिश करें। इस ऊर्जा को जोरदार वापसी के लिए बचाए रखें। किसी एक परियोजना पर हद से ज्यादा मेहनत ना करें, इससे आपको सामान्य तनाव तथा सिर दर्द हो सकता है। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।